हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वीट डिश चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं दोस्तों गणेश चतुर्थी स्पेशल मैदा की बूंदी के लड्डू की रेसिपी। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी रेसिपी है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर लिया दोस्तों 2 लीटर पानी, 4 किलो शक्कर। अब दोस्तों इसकी मीडियम फ्लेम पर चाशनी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से दोस्तों अच्छे से चाशनी तैयार कर लेनी है। सो देखिए दोस्तों, हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है, और अब हम इसका जो दोस्तों मेल निकाल लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों इसका जो है, इस तरीके का सारा मेल निकाल लेना है, ताकि हमारी जो चाशनी वो अच्छे से साफ हो जाए। सो देखिए दोस्तों, हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। और दोस्तों चाशनी जो है हमें एक तार की रखनी है, ज़्यादा मोटी पतली चाशनी नहीं रखनी है। इसी तरह चाशनी को हाथ में लेके चिपचिपा करके देख लेना है। सो दोस्तों, अब हम यहाँ पर मैदा का घोल कर लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर लिए 1.5 किलो मैदा और 1/2 किलो बेसन। अब हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों थोड़ी सी खट्टी मैदा। खट्टी मैदा ज़्यादा ऐड नहीं करनी है दोस्तों, थोड़ी सी ही डालनी है। और दोस्तों हमने यहाँ पर पानी जो है हल्का गुनगुना पानी लिया है, और यहाँ पर 1.5 लीटर पानी हमने एक साथ डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरीके से दोस्तों इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब भी ये इतना गाढ़ा हो जाता है, उसके बाद इसमें धीरे धीरे पानी डालकर मिक्स करना है। पानी को जो है दोस्तों एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इसमें जो है गांठ बन जाएगी। सो इसी तरीके से दोस्तों हमारे जो मैदा का घोल है उसको इतना पतला कर लेना है। अब हम दोस्तों यहाँ पर जो है घी को गर्म होने के लिए रख देंगे। घी को जो है दोस्तों मीडियम फ्लेम पर ही गर्म रखना है। इसी तरीके से दोस्तों घी को जो है अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेना है। सो दोस्तों, अब हम इस चाशनी में ऐड करेंगे थोड़ी सी फिटकरी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो दोस्तों, हमारा जो घी है वो पूरी तरह गरम हो चुका है, और अब हम जो इसमें दोस्तों जो मैदा का घोल किया है उसकी इस जारे पर बूंदी तैयार कर लेंगे। मैदा के घोल को जो है दोस्तों ध्यान रखना है कि जारे के जो है ऊपर चारों तरफ डालना है, एक ही जगह नहीं डालना है दोस्तों, नहीं तो हमारी जो बूंदी है वो आसान से अच्छे से नहीं बनेगी। सो देखिए दोस्तों, हमारी जो बूंदी है बिल्कुल गोल और परफेक्ट बनी है। अब हम दोस्तों इसकी जो अच्छे से नॉर्मल फ्लेम पर सिकाई कर लेंगे। सिकाई करने के बाद इसको दोस्तों इस तरह चाशनी में डाल देना है, और इस तरह इसको हाथों हाथ चाशनी में मिक्स कर लेना है दोस्तों, ताकि हमारी जो बूंदी है उसके अंदर आसानी से अच्छे से चाशनी चली जाए। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर सारी मैदा के घोल के बूंदी तैयार कर लेंगे। सो देखिए दोस्तों, हमारी जो बूंदी है वो बिल्कुल गोल है। इसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर सारे जो मैदा का घोल है दोस्तों उसकी बूंदी तैयार कर ली है। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर पूरे घोल की मैदा की बूंदी बना ली है। इसी तरह दोस्तों इसको हाथों हाथ चाशनी में मिक्स करते रहना है। सो दोस्तों, इस तरह सारी बूंदी बनने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इस तरह दाने को मसल कर देख लेना है। हमारा जो बूंदी का दाना है दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। हमारा जो बूंदी का दाना है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हम इस बूंदी को इस छेद वाले बर्तन में निकाल देंगे, ताकि दोस्तों इसकी जो चाशनी है वो सारी नीचे निकल जाएगी। इस तरह इसको निकालने के बाद दोस्तों इसको इस भगोने के ऊपर रख देना है,
5 से 10 मिनट रख देना है दोस्तों, ताकि इसकी जो सारी चाशनी है वो निकल जाए। सो दोस्तों देखिए, इसकी जो सारी चाशनी है वो नीचे निकल चुकी है और ये दोस्तों बहुत ही गर्म है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए इसे ऐसे बड़े से बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये आसानी से ठंडा हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों 100 ग्राम पिस्ता कतरन। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों थोड़ा सा ग्लूकोस। ग्लूकोस को भी दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्लूकोस इसीलिए ऐड करते हैं दोस्तों ताकि हमारे जो लड्डू है वो अच्छे से बिल्कुल गोल और परफेक्ट बने। तो दोस्तों इसी तरीके से अब हम इसके इस तरह छोटे छोटे गोल गोल लड्डू बना लेंगे। दोस्तों देखिए, हमारे जो लड्डू है बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। इसी तरीके से हम दोस्तों यहाँ पर सारे इस बूंदी के लड्डू तैयार कर लेंगे। और दोस्तों ये रेसिपी जो है गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के जो भोग चढ़ाने के बहुत ही काम में आती है, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सारी मैदा के बूंदी के लड्डू तैयार कर लिए हैं। और दोस्तों आप लोग बताना कमेंट करके कि जो गणेश चतुर्थी स्पेशल जो हमारे मैदा के बूंदी के लड्डू की रेसिपी है दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटे वाले बटन को दबा दीजिए।